ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में, स्टील एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, हाउ टू एक्सपोर्ट आयरन एंड स्टील एज एन मर्चेंट एक्सपोर्टर। अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आप कैसे आयरन एंड स्टील सोर्स करके भारत से अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट करोगे। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर कौन है, आपको पता होगा कि पहले मैं बता चुका हूँ। अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आपके पास स्टील मिल नहीं है, आपके पास फैक्ट्रीज नहीं है, तो आप अलग अलग स्टील मिल से, अलग अलग स्टील फैक्ट्री से स्टील एंड आयरन को सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे वर्ल्ड वाइड। तो 2022 में अप्रोक्सीमेटली 11,000 मिलियन डॉलर का इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। 2021 में इसका जो 13,000 डॉलर का मिलियन डॉलर का था, लेकिन ये 2022 में डिक्रीज हुआ है आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट में। तो अगर आप आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपके लिए इसके लिए थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है उसके बारे में बताऊँगा, और लाइसेंस के बारे में बताऊँगा, क्या करना चाहिए आपको बताऊँगा। तो नॉर्मली इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा आयरन एंड स्टील भेजता है टू नेपाल, बांग्लादेश, जिसका जो नेबरिंग कंट्रीज है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये चार कंट्री को भी ज़्यादा से ज़्यादा आयरन एंड स्टील जाता है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज एंड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। कंस्ट्रक्शन पर्पज में आपको जितने सारे आयरन स्टील लगता है, आयरन बीम हो गया, आयरन रॉड हो गया, तो जितने सारे कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट लगता है आयरन एंड स्टील में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए, तो आप आइडेंटिफाई करके कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज को आइडेंटिफाई करके अलग अलग कंट्री से कंपनीज को कॉन्टैक्ट करके भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हो आयरन एंड स्टील। और नेपाल एंड बांग्लादेश ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं। अलग और दूसरा कंट्रीज हो गया आपका साउथ कोरिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, मलेशिया, मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूरोप में बेल्जियम, स्पेन, तो ये जितने सारे कंट्रीज अबव 50 के अबव कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंडिया से आयरन एंड स्टील इंपोर्ट करते हैं। इंडिया जो हब है आयरन एंड स्टील का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आयरन एंड स्टील को सोर्स करके भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आयरन एंड स्टील आपको कहाँ मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन एंड स्टील का फैक्ट्रीज मिलेगा आपको उड़ीसा में, झारखंड, उड़ीसा एंड आपका जो छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका, ये चार स्टेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा छोटा बड़ा आयरन एंड स्टील का मिल्स मिलेगा, और उड़ीसा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा आयरन एंड स्टील। तो अगर आपके पास करोड़ ऑफ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है तो आप आयरन एंड स्टील का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लाइसेंस का क्या ज़रूरत है, लाइसेंस को जो सेम लाइसेंस से आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए, उसके बाद आईसी कोड अप्लाई कर लीजिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो कमोडिटी बोर्ड है उसमें मेंबरशिप ले लीजिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टील है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो ये सब लाइसेंस जरूरी है। लाइसेंस लेने के बाद आप एक वेबसाइट, इम्प्रेसिव वेबसाइट बनाइए। इम्प्रेसिव वेबसाइट में आप आयरन एंड स्टील का जितने सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आयरन का बिलेट हो गया, आयरन स्टील का जो रॉड हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, आयरन स्टील में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो गया, इंडस्ट्रियल के लिए जितने सारे आयरन एंड स्टील का मटेरियल्स चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, पूरा को आप सोर्स करके आइडेंटिफाई करके उसका फोटोज, उसका स्पेसिफिकेशन, एचएस कोड वगैरह ऐड कर लीजिए आपका वेबसाइट में। इम्प्रेसिव वेबसाइट बनाइए जितने सारे प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उससे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने सारे प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसका प्राइस को आप चेक करना पड़ेगा, क्या प्राइस में आप बाय करोगे और कहाँ से बाय करोगे। इसके लिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका में कुछ आयरन स्टील मिल्स के साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट करने के बाद वो कंपनीज, वो मिल्स, वो फैक्ट्रीज आपको बता देंगे वो क्या क्या एक्सपोर्ट, क्या क्या आपको सेल कर सकते हैं। उनके साथ एक फॉर्मली एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। एग्रीमेंट करने के बाद आपको डिपेंड करना पड़ेगा आपका वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट के हिसाब से, आपको 1 लाख से लेकर 10 लाख या 1 करोड़ आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा उन फैक्ट्री में। क्योंकि अगर आप डिपॉजिट करोगे जब तक आपका बिजनेस है उनके साथ, तो 1 लाख हो गया या 10 लाख हो गया या 1 करोड़ हो गया, तो एक पैसा आपको उनके साथ एक डिपॉजिट रखना पड़ेगा, रिफंडेबल डिपॉजिट, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है ये पैसा स्टील मिल्स या फैक्ट्रीज के पास रहेगा, डिपॉजिट रहेगा।
तो डिपॉजिट रहने का रहेगा, रखने के बाद उनके साथ एक एग्रीमेंट रहेगा कि ईयरली वो कंपनी आपको इतने प्रोडक्ट को बना के देंगे, ठीक है। तो बना के देने के बाद आप उनके साथ एग्रीमेंट करने के बाद उनका प्रोडक्ट का फोटोज, स्पेसिफिकेशन, HS कोड वगैरह आपको वेबसाइट में ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप क्या करिए, GST, बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ रेडी कर लीजिए। रेडी करने के बाद आपको स्टार्ट होगा मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए आपको अफ्रीकन कंट्री, ज़्यादा करके आजकल अफ्रीकन कंट्री जाता है आयरन एंड स्टील। मिडिल ईस्ट में ह्यूज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज में केनिया, घाना, नाइजीरिया, अंगोला, कॉन्गो, ये सब कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है। ऑल्सो मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन क्वेट, ओमान, ये सब कंट्री में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऑल्सो इराक में हो रहा है, जॉर्डन में हो रहा है, आपका लेबनान में भी हो रहा है, आपका यूरोप में आपका हो रहा है, स्पेन एंड आपका जो जर्मनी, स्पेन एंड बेल्जियम, ये कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन स्टील इंपोर्ट करते हैं। रशिया बड़ा मार्केट है, रशिया है। और आजकल इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्रीज में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हो। फार ईस्ट कंट्री में, एशियन कंट्री में, मलेशिया में ह्यूज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंडिया। तो ये 50 कंट्री को आपको टारगेट करना है। तो टारगेट करने के बाद जैसे मैं पहले आपको बता चुका था, अलग अलग कंट्री के बारे मैंने वीडियोज बना चुका हूँ, चाइना, हाउ टू एक्सपोर्ट टू चाइना, हाउ टू एक्सपोर्ट टू मलेशिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अफ्रीकन कंट्रीज। तो वर्ल्ड में 200 कंट्री, 200 कंट्रीज के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ कैसे आप अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट करना है। एग्जाम्पल आपको चाइना एक्सपोर्ट करना है, हाउ टू एक्सपोर्ट टू चाइना, मेरा वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब में सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू चाइना ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, आपको मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगी। तो पुराना वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में लिखा हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू चाइना। तो चाइना को टारगेट करने के लिए चाइना में जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स है, जैसे कि Alibaba.com, MadeInChina.com, ऐसे जितने सारे ट्रेड पोर्टल में आपका कंपनी को रजिस्टर करके ऐड कर लीजिए। ऐड करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज, आपका आयरन एंड स्टील का प्रोडक्ट सर्विसेज को फोटो के साथ ऐड कर लीजिए, वेबसाइट को ऐड कर लीजिए। करने के बाद Alibaba.com, MadeInChina.com, जितने सारे चाइना का B2B ट्रेड पोर्टल्स में आपको रजिस्टर करके आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या होगा, चाइना का जो इंपोर्टर्स है इन्हीं साइट को सर्च करते हैं। अगर वो सर्च करेंगे इंडियन कंपनी एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील, तो उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो MadeInChina.com, Alibaba.com में आप रजिस्टर करने के बाद सर्च करिए हु आर द इम्पोर्टर्स ऑफ आयरन स्टील इन चाइना, आप उन कंपनीज को ईमेल के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो चाइना का मैंने कितने बहुत सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, क्लासिफाइड वेबसाइट्स, हंड्रेड्स ऑफ साइट्स मैंने बता चुका हूँ इन माई पुराना वीडियो में। तो उन सब साइट्स में आपको रजिस्टर करना है, आपको वेबसाइट को, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके ईमेल द्वारा कॉन्टैक्ट करना है द इम्पोर्टर्स को, कॉन्टैक्ट करना है। और रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, इन्हीं सब वेबसाइट्स में आयरन एंड स्टील इम्पोर्टर्स है तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, या आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाई ईमेल के द्वारा। कॉन्टैक्ट करके आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, प्रपोजल भेज सकते हैं कि आप भारत से ये प्रोडक्ट को चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हो। वैसे ही चाइना, UAE, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, बेल्जियम, स्पेन, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया, वियतनाम एंड साउथ कोरिया, इन्हीं कंट्रीज को आप टारगेट कर लीजिए। हर कंट्रीज के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। और ऑल्सो और एक काम होगा आपका आयरन एंड स्टील बिजनेस के लिए, लिंक्डइन में आपका प्रोफाइल बनाइए। लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाकर लिंक्डइन में पेड मार्केटिंग कर लीजिए। पेड मार्केटिंग करोगे तो लिंक्डइन में हाई प्रोफाइल, बड़े बड़े जो CEOs टाइप का, CEOs एंड की पर्सन ऑफ कंपनीज इन लिंक्डइन में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड लोग है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। अगर आप आयरन स्टील का एडवर्टाइजमेंट करोगे इन लिंक्डइन तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ऑल्सो फेसबुक भी अच्छा है, फेसबुक में आप चाइना जितने सारे कंट्रीज बता दिया, आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 50 कंट्री को टारगेट करके फेसबुक में, लिंक्डइन में एडवर्टाइजमेंट करेगा, आपका जो स्टील प्रोडक्ट का, आयरन स्टील प्रोडक्ट का फोटो रहेगा, प्रोडक्ट फोटो रहेगा, आप भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका जब एडवर्टाइजमेंट होगा, एक महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट होगा लिंक्डइन एंड फेसबुक में, तो ग्लोबली 50 कंट्री के जब बायर्स, इंपोर्टर्स,
की पर्सन ऑफ द कंपनीज, तो आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि आप आयरन एंड स्पीड स्टील एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर करने से पहले आप प्रोफाइल बना लीजिए, वेबसाइट बना लीजिए, लाइसेंस पूरा रेडी करके रखिए, ताकि जैसे ही ऑर्डर आएगा तो आप कंपनी के साथ बातचीत करके डिस्कस करके पेमेंट सिस्टम, पेमेंट कैसा होगा, LC पेमेंट को किस टाइप का LC में पेमेंट होगा, सब बातचीत करके आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, एक दो महीने का, तीन महीने का टाइम रहता है, तो एक दो तीन महीने का टाइमिंग में आपका जो स्टील मिल रहेगा, आपका जो फैक्ट्री रहेगा, आपके लिए प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करने के बाद आपके पास पैसा का कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि जो स्टील मिल रहेगा, फैक्ट्री रहेगा आयरन स्टील का, तो आपसे पैसा 100% लेगा, पेमेंट करेगा, या आपके साथ उनका कैसा लेन देन है वो आपके ऊपर है। क्योंकि नॉर्मली 100% पेमेंट करने के बाद स्टील मिल्स आपका प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करने के बाद आप वहाँ से प्रोडक्ट को बायर को एक्सपोर्ट कर सकते हो। बायर को एक्सपोर्ट करने का टाइम पे तो आपको तो पेमेंट LC में पेमेंट मिल जाएगा, FOB में पेमेंट मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ शिपमेंट, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है पेमेंट आपको करना है स्टील मिल्स को, फैक्ट्रीज को, स्टील मिल को पेमेंट करना है। अगर आपके पास कैपेसिटी है 100% पेमेंट करने का कैपेसिटी है टू द फैक्ट्री, तो फिर आप स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि आप फैक्ट्री को पेमेंट नहीं दोगे, एटलीस्ट 70-80% पेमेंट नहीं दोगे, तो फैक्ट्री आपको प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा और आपको माल भी नहीं देगा। इसीलिए अगर आपके पास करोड़ ऑफ रुपीस इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास कैपेसिटी है, तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि स्टील मिल का, आयरन एंड स्टील का एक ही साथ 50 करोड़, 100 करोड़ का आपको ऑर्डर आएगा, तो इसके लिए आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए स्टील मिल को पेमेंट करके, प्रोडक्शन स्टार्ट करके, उनके प्रोडक्शन स्टार्ट करके बाई करके प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो मैं पूरी डिटेल्स में बता दिया कैसे आप आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट करोगे। अगर और आपका जो हमारा कंपनी का trademyproduct.net, हमारा कंपनी का जो ग्लोबल ट्रेड पोर्टल है, ग्लोबल मैगजीन है, आप इनमें एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। हमारा जो राइटर्स आपका कंपनी के बारे में पूरे साल हर महीने में दो दो टाइम आपका कंपनी के बारे में लिखेंगे। लिखने के बाद हमारा जो ग्लोबल ये साइट है, ग्लोबल ट्रेड साइट है, ग्लोबली बहुत सारे इम्पोर्टर्स बायर्स पढ़ते हैं। जब वो आपके बारे में पढ़ेंगे, आपका कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे कि आप स्टील, आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो हमारा कंपनी का बहुत सारे साइट iitbn.com है, trademyportal.com में बहुत सारे साइट है, ग्लोबली हम पब्लिश करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पब्लिकेशन के लिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पब्लिकेशन के लिए। अगर आप आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच एज ए स्टार्टअप बिजनेस, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। मैं आपको मदद करूँगा पूरे आयरन एंड स्टील बिजनेस कैसे आप सेटअप करोगे, वेबसाइट, लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट कैसे मिलेगा, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, सब कुछ मैं आपको करके दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आशा करते हैं हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।